सब्सक्राइब कीजिए सनसेक एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 6 लेक्चर 3 वीडियो नंबर 41। ठीक है, इसमें क्या कराएंगे हम डायरेक्शनल डायरेक्टिव जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। इसमें क्या रहेगी, पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। क्या रहती है, लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड लेट यू वेक्टर इज इक्वल टू म्यू वन आई प्लस म्यू टू जे बी ए यूनिट वेक्टर देन देन डायरेक्शन नॉन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट द पॉइंट पी नोड एक्स नोड वाई नोड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर यू वन यूनिट वेक्टर यू कैप। ठीक है, इज गिवन बाय वैल्यू एफ एक्स नोड वाई नोड is equal to limit h tends to 0 f x node plus h mu 1 x node plus h mu 2 minus f x 1 y 1 ठीक है, x node y node upon h provided limit exist। ठीक है, ये तो अपनी होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन। क्या लेट f कोई एक फंक्शन है टू वेरिएबल का, ठीक है, म्यू वेक्टर इज इक्वल टू म्यू वन आई प्लस म्यू टू जे बी ए यूनिट वेक्टर देन डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या रहेगी विद यूनिट वेक्टर क्या है अपना म्यू कैप। ठीक है, तो अब ये वो क्या रहेगी एक्स नोट प्लस एच यू वन एक्स नोट प्लस एच म्यू टू माइनस एफ एक्स नोट वाई नोट। ठीक है, इसके ऊपर अब नोट लिख लीजिए। Derivative in terms of partial derivative, ये तो as a limit limit की form में था, ये अब in terms of, ये तो in terms of limit था, ये अब in terms of derivative partial derivative के terms में। ठीक है, इसमें क्या रहेगा अपना, ये जो इतना जो लिखवाया है ये तो इधर भी लिखना है। क्या, let f be a function, fxy is be a function which is differentiable at x node y node, then the differential direction derivative of the function f at the point x node y node in the direction of the यूनिट वेक्टर यू म्यू वन अपॉन आई म्यू टू अपॉन जे इज क्या रहेगा डेल यू एफ एक्स नोड वाई नोड इज इक्वल टू एफ एक्स, ये ज़्यादा बेटर रहेगा इससे। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है एफ एक्स निकालना है एक्स नोड वाई नोड म्यू वन प्लस एफ वाई एक्स नोड वाई नोड म्यू टू। ठीक है, कुछ नहीं करना, एफ फंक्शन का पहले पार्शियल डेरिवेटिव एक्स की टर्म्स में निकालना है वाई की टर्म्स में निकालना है और फिर वैल्यू पुट कर देनी है, और कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, और इसमें यह याद रखना कि म्यू वन म्यू टू क्या है, एक तरह से यूनिट वेक्टर के हैं एलिमेंट। ठीक है, कहीं आपको आपको वेक्टर दिया जाएगा पेपर में, उसको पहले यूनिट वेक्टर में जरूर कन्वर्ट करें। ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखवाने से पहले इसका एक एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना होता है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू टू माइनस 2x square plus y cube at the point 1, 2 in the direction of mu in the direction of vector mu vector 1 by 2i plus root 3 by 2i j। ठीक है, ये माइनस हो रही, अब ये पहले से यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, हमें सम करके देख लीजिए। 1/2 का 1/4 इधर आएगा प्लस 2 ठीक है, 2/2 का 3/4 सम बना रहे, तो ये पहले से अपना कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है, कुछ नहीं करना हमें। म्यू वन अब की वैल्यू क्या है अपनी 1/2, म्यू टू की वैल्यू क्या है माइनस रूट 3/2। अब डी यू एफ एक्स एफ 1/2 में निकालना है हमें एफ एक्स 1/2 म्यू वन प्लस एफ वाई 1/2 म्यू टू, और ये क्या रहेगा एफ एक्स निकालो, एफ एक्स पीछे से निकाल सकते हैं हम, क्या रहेगा अपना एक्स के टर्म में डेरिवेटिव करना 2^4 माइनस 4 एक्स आएगा, माइनस 4 एक्स आएगा, तो माइनस 4 एक्स की वैल्यू कितनी है 1
एक्स की वैल्यू वन रखती, म्यू वन अपना वन बाई टू, प्लस एफ वाई कितना रहेगा, थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर रखेंगे इधर, थ्री वाई स्क्वायर कितना रहेगा, रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर कितना है, थ्री बाई फोर, और इन टू में म्यू टू, म्यू टू कितना है अपना, म्यू टू अपना कितना आएगा, म्यू टू अपना रूट थ्री बाई टू है, माइनस का रूट थ्री बाई टू, ठीक है, ये कितना आ गया अपना, थ्री थ्री जै नाइन, ठीक है। अब आगे क्या करना है इसका, सॉरी इधर वैल्यू हमने गलत पुट की, क्यों, थ्री बाई फोर थोड़ा आएगा इधर, वाई की वैल्यू टू है, टू का स्क्वायर फोर आएगा इधर, ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू से ये कट जाएगा, टू टू जो फोर, तो अपनी वैल्यू माइनस, माइनस टू से ये कट रहा है माइनस टू, प्लस थ्री टू जो सिक्स, माइनस रूट थ्री, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस बाहर निकला टू प्लस सिक्स रूट थ्री, आंसर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अब कराएंगे ग्रेडियंट ऑफ एयर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मतलब क्या ग्रेडियंट निकालना है हमें और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशियल फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, क्या, लेट एफ बी ए डिफरेंशियल फंक्शन एट एक्स वाई, लेट एफ एक्स एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स y be their partial derivative, then gradient of f is denoted by operator f and defined as del f x y f x x y i cap plus f y x y j cap on value क्या रहेगी इसकी, the value of the gradient at the value of gradient at f at point x node y node is del f x node y node is equal to f x x node y node i प्लस एफ वाई एक्स नोट वाई नोट जे कैप, ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू रहेगी, ठीक है, और एक तरह से इस क्या हो गया अपना, एक तरह से इन दोनों को इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट लिखना चाहूँ तो मतलब नोट लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी यू एफ इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट क्या रहेगा अपनी वैल्यू, डेल यू एफ एक्स नोट y node is equal to del f node mu cap, ठीक है, ये वैल्यू रहती है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम नोड लिखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम के ऊपर लिखवा रहा हूँ मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फर्स्ट पॉइंट लिखिए द लार्जेस्ट value of the directional derivative of the differential function f at the point x node y node is del f node which lies in the direction of del f node, ठीक है, और second point क्या रहेगा अपना, the smallest value of directional derivative of the differentiable function f at the point x node y node is del f node in the direction of minus del f node, ठीक है, मतलब क्या है, एक तरह से लार्जेस्ट वैल्यू प्लस वाली रहेगी और माइनस लगा दोगे तो वो अपनी मिनिमम रहेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए क्या लिखवाया है ये मैंने, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए,
in what direction? Is the function given by fx y is equal to x e to the power 2y minus x increases most rapidly at the point 2, 1, and what is the maximum rate of increase? ठीक है, maximum rate of increase भी बताना है हमें. तो इसका solution लिख लीजिए. Del f is equal to, पहले del f निकालेंगे, 1 dot t की power 2y minus x plus x dot 2 x dot e की power 2y minus x minus 1 i plus, ये तो अपना i की respect में हो गया इतना portion. ठीक है, मतलब x partial derivative with respect to x, और फिर plus 2x e की power 2y minus x, ये y की respect में से आ गया अपना. अब del f 2 1 की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी अपने माइनस आई प्लस 4j. अब डेल एफ 2 1 के ऊपर डबल डेरिवेटिव, ये क्या रहेगा अपना, एक तरह से ये क्या है, मतलब ये जो आया है डेल एफ इसका मोड है. ठीक है, वो निकालेंगे, कितनी आएगी अपने 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16. ठीक है, ये कितने आ गया, अंडर रूट 17. तो मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज क्या रहेगा, मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज इज root 17 in the direction derivative direction of minus iota plus 4j. ठीक है, इसकी direction में ये maximum rise की speed. ठीक है, अब note लिख लीजिए, first point b unit normal to the surface fx y z is equal to c, the point in the point x y z is equal to the unit normal to the surface fx y z is equal to c, the point x at the point x y z ये at the point the unit normal to the surface f x y z is equal to c at the point x y z x 1 z y 1 z 1 is equal to del f upon del f का mod at point x 1 y 1 z 1. ठीक है, और second point लिखिए, the equation of tangent plane at the point x1 y1 z1 is the equation of the tangent plane at iski value kya rehti x minus x1 fx plus y minus y1 fy plus z minus z1 fz is equal to 0. ठीक है, ये हो गया अपना मोस्ट ऑफ द 70 पार्ट वेक्टर कैलकुलस का. ठीक है, यहाँ अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे उसमें हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब जो अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या समझ में नहीं आया, कुछ आपको वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहिए कि आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं तो आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपका कोई डाउट है वेक्टर कैलकुलस के रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ठीक है, अब लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. ठीक है, धन्यवाद.